जी नमस्कार, मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं कंफर्म कर दूं कि मैं भी ये मानता हूं कि इस टाइप की वीडियो नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये डाउट्स क्रिएट करते हैं मन में। पर तब क्या करें, जब वो डाउट पहले से मन में हो और फ्रिक्वेंटली लोग पूछ रहे हैं, और ये बात कर रहे हैं हम GPSC के रेफरेंस में जो रिसेंट में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं उनको लेके मैं आपको बताऊंगा। और मैं भी शुरू में इस पे वीडियो नहीं बना रहा था, पर मैंने देखा कि कुछ बच्चों ने ऐसी चीज़ें शेयर की जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर है। हो सकता है GPSC इसके बारे में अवेयर नहीं हो, तो चीज़ें पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, शायद वो अवेयर हो जाएं इसको लेके। तो वन बाय वन करके जो आप लोगों के डाउट्स हैं हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डाउट आता है, कुछ बच्चों ने जब ये ओपन हुआ था तो मुझसे पूछा, मैंने अवॉइड किया कि यार हो सकता है कुछ रीजन रहा हो। अगर फॉर्म के लास्ट में ऑनलाइन एप्लीकेशन में जनरली अगर सर्वर का इशू आ जाता है तो दोबारा से फॉर्म रीओपन कर दिए जाते हैं, और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। GPSC नहीं करती है, पूरे भारत में जो भी एग्जामिनेशन बॉडी है अगर कहीं पे इशू आते हैं सर्वर के तो फॉर्म रीओपन कराए जाते हैं या किए जाते हैं, कई बार बच्चे डिमांड करते हैं, तो ये कॉमन सी प्रैक्टिस है। पर क्वेश्चन तब ज़्यादा ऐसी चीज़ों पे उठने लगे, आपको पता है बहुत बवाल हुआ था, नीट एग्जाम हुआ था, वो फॉर्म रीओपन किया गया था, और जो रीओपन का टाइम था उस पीरियड में जितने बच्चों ने फॉर्म भरा था वो बच्चे सबसे ज़्यादा जो टॉपर की लिस्ट थी उसमें आ गए। कई सारी रिपोर्ट इस पर पब्लिश हुई, तब क्वेश्चन उठता है कि भाई ये कौन से टॉपर्स हैं जो पहले फॉर्म नहीं भरते हैं, फॉर्म के रीओपन होने का इंतजार करते हैं और फॉर्म भरते हैं सीधा टॉप कर जाते हैं। फिर एक इंसिडेंट और हुआ कि एक बच्चा कोर्ट जाता है और अपना सेंटर बदलने के लिए एप्लीकेशन डालता है, कोर्ट से ऑर्डर आता है, और फिर कई सारे बच्चे अपने सेंटर बदलवाते हैं। कुछ बच्चे गोधरा आते हैं गुजरात के, और वहां पे पूरे सेंटर पे पेपर लीक हो जाता है, बच्चे टॉपर्स की लिस्ट में आ जाते हैं। तो जब इस टाइप की चीजें, किसी GPSC के बारे में ये ब्लेम नहीं है, किसी और बॉडी के बारे में ब्लेम है, पर जब इस टाइप के ब्लेम्स लगते हैं तो जब क्वेश्चन उठता है तो सारे जितने एग्जामिनेशन बॉडी हैं अगर वहां पे भी उस टाइप की प्रैक्टिस होती है कि फॉर्म को रीओपन किया गया है, फिर उसी के साथ होता है कि पहले से एक महीना पहले सिलेबस डिक्लेयर्ड था, बाद में उसका सिलेबस को भी रिवाइज कर दिया जाता है, तो फिर कई सारे लोगों के मन में डाउट आता है कि क्या यार ये फेवरेटिज्म है क्या, क्या ऐसा किया जा रहा है क्या। और स्पेशली जब एक्सपीरियंस वाली पोस्टें होती हैं तो कई बार इस टाइप की चीजें आती हैं। पर यह भी बहुत बड़ा इशू नहीं है, इससे ज्यादा बड़ा इशू आता है जब इंटरव्यू की बात आती है। आप सभी को पता है कि GPSC में जो ये एग्जाम्स होते हैं Class 1 Class 2, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को छोड़ दिया जाए तो जो स्पेशली टेक्निकल होते हैं उनमें इंटरव्यू का बहुत ज्यादा वेटेज होता है, नॉन टेक्निकल में भी होता है, पर हम चूंकि यहां पर टेक्निकल की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि 50% वेटेज होता है आपके इंटरव्यू का, जो 100 मार्क्स का होता है उसका 50% आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में एड किया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि रिटेल के टॉपर बच्चे हैं, इंटरव्यू में मार्क्स नहीं आए और चले गए। इस बार अभी मैकेनिकल असिस्टेंट इंजीनियर GWSSB का इंटरव्यू खत्म हुआ है 2 अगस्त को, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि उनसे बहुत रैंडम क्वेश्चन पूछे गए। मुझे लगा भाई इंटरव्यू में तो GPSC का वो है, चाहे इंटरव्यू की बात कर लें या सिलेबस रिवाइज करने की बात कर लें, एग्जाम पैटर्न की बात कर लें, इस पे आप कह सकते हो कि ऑटोनोमस बॉडी है GPSC, उसको एग्जाम करवाना, वो कैसे कराए, इसको क्वेश्चन हम क्यों करें। पर क्वेश्चन तब उठता है जब कुछ बच्चों ने ये पाया कि उनके इंटरव्यू पैनल में जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो एक्सपर्ट किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के मॉक इंटरव्यू में थे। तब बताओ, अब बहुत सिंपल सा या लॉजिकल क्वेश्चन है या बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है, लॉजिकल नहीं, कि क्या उन बच्चों के मन में डाउट्स आएगा कि नहीं आएगा कि यार ये जो फैकल्टी किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो कि पैसा लेके मॉक इंटरव्यू कर रहे हैं वहां पे ये जाके पैसा लेके सर्विस दे रहे होंगे, किसी एनजीओ के लिए तो काम कर नहीं रहे हैं, एक प्रोफेशनल बॉडी है, एक बिजनेस है, वहां पे पैसा लेके मॉक इंटरव्यू किया जा रहा है और ये वहां पे सर्विस दे रहे हैं, और सेम एक्सपर्ट आपके GPSC के पैनल में बैठता है, तो क्या आपको नहीं लगेगा कि यहां पे फेवरेटिज्म हो सकता है। इस टाइप की चीजें GPSC में हो रही हैं और इसका ओपन प्रूफ भी है, बच्चों ने भी मुझे फोटोज भेजे कि सर देखिए ये यहां पे मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं और यहां पे ये पैनल में थे, सर हमारे पैनल में थे, तो उन बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा कि नहीं, बहुत लाजमी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आदमी जाके वहां पे किसी को फेवर करेगा नहीं करेगा, पर
एक प्रोटोकॉल तो होता है यार कि ऐसे लोगों को जहां पे इंटरव्यू बहुत मैटर करता है, इंटरव्यू 10 नंबर का होता, 5 नंबर का होता, 20 नंबर का होता, रिटन एग्जाम का ज्यादा वेटेज होता, तो ये बातें मैटर नहीं करती हैं। पर जहां पे इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू अच्छा गया तो रिटन में खराब मार्क्स है तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, इंटरव्यू खराब गया रिटन में आप टॉपर हो तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। और इसके साथ साथ बहुत बच्चों ने, जैसे मैंने कहा कि शुरू में कंप्लेन तो नहीं कहूंगा, मगर बहुत सारे बच्चों ने अपना साझा किया इंटरव्यू कि सर ना इस बार, पिछली बार का भी उन्होंने इंटरव्यू दिया था पर इस बार के इंटरव्यू में ना बहुत रैंडम क्वेश्चन पूछे गए, मतलब कुछ भी पूछ रहे थे, बहुत ऑब्वियस, बहुत रैंडम चीजें पूछी जा रही थी। और फिर उसके साथ कॉन्सिडेंटली कह लीजिए या फिर जो भी आप कह लो, उसके साथ ये सारी चीजें भी हो रही हैं साथ में। और कई सारे बच्चे कॉमन है जो यहां पे भी अपियर हुए और ये सारी चीजें भी देख रहे हैं, तो फिर उनके मन में एक डाउट आता है यार कि कहीं मतलब जीपीएससी में ऐसा तो नहीं चल रहा है कि अंदर खाने सेटिंग चल रही है, कोचिंग वाले ही सिलेबस बदलवा रहे हैं, कोचिंग वाले ही रीओपन करवा रहे हैं, कोचिंग वाले भी ये करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं, फिर मन में एक डाउट आता है। इसको मैं तो क्लियर कर नहीं सकता हूं, इसको जीपीएससी ही बता सकती है, जीपीएससी के जो ऑफिशियल्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्हीं को पता होगा, किसी को पता नहीं होगा। कुछ कुछ चीजें हर जगह चलती हैं, आप तो यूपीएससी का देख लिए हो कि कितने बड़े धाधली बाज लोग निकले हैं, तो फिर किसके बारे में क्या ही कहा जा सकता है। मेरा पर्पज बनाने का बस ये था कि हो सकता है जीपीएससी ऐसे लोगों से, और ये पेपर बनाने के लिए भी जीपीएससी सर्विस लेती है एक्सपर्ट्स का, तो कहीं ऐसा ना हो कि वही लोग जो किसी कोचिंग में पढ़ा रहे वही पेपर भी सेट कर रहे हैं जीपीएससी का, तो ये एक बिल्कुल एक सीरियस मैटर है। और अगर जीपीएससी को इसके बारे में आइडिया है नहीं है तो बिल्कुल इसका कंसर्न लेना चाहिए कि कुछ तो प्रोटोकॉल्स होने चाहिए कि हम ऐसे लोगों से पेपर सेट कराएंगे या हम ऐसे लोगों को इंटरव्यू पैनल में जगह देंगे जो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को सर्विस ना दे रहे हों, या अगर दे रहे होंगे जीपीएससी, चलो भाई ये मान सकते हैं कि जीपीएससी के पास हो सकता है इतने ऑर्गन्स नहीं है कि वो पता करे भाई जो एक्सपर्ट आ रहे हैं वो बाकी जगह कहां पे काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट कोई बच्चा कंप्लेन राइज करता है, अगर वो वैलिड है, वो उसका प्रूफ देता है, तो एटलीस्ट जीपीएससी को इसको कंसिडर करना चाहिए या शो मोटो लेना चाहिए, ऐसी चीजें देख के कि जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं, शो मोटो लेके इसका कोई तो प्रोटोकॉल होना चाहिए कि हम ऐसे एक्सपर्ट्स को, और ये क्वेश्चन पहली बार नहीं उठा है, इससे पहले गुजरात का जब आईटीआई का पेपर हुआ था उस पे, मतलब आईटीआई इंस्ट्रक्चर का, उस पे भी कई बार क्वेश्चन उठे थे कि जो जिन्होंने पेपर सेट किए थे, मतलब पहले से कुछ बच्चों को पता चल गया था कि इनके पास इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पेपर सेट करने के लिए आया और वहां पे सेटिंग की कोशिश की गई थी। अब आपको पता है कि अल्टीमेटली अगर कहीं पे इंक्वायरी बैठती, जनरली तो इंक्वायरी ही नहीं होती है, कोई कंसर्न ही नहीं शो करता है, अगर कहीं पे होता भी है तो उसका रिजल्ट क्या आता है, वो पब्लिक डोमेन में आता ही नहीं है चीजें, बहुत अगर हाय तो बम अच्छा तब जाके चीजें पब्लिक डोमेन में आती हैं जब बहुत बड़ा इशू बनता है। तो वीडियो बनाने का मेरा पर्पज बस इतना सा है कि आपको भी पता होनी चाहिए कि ऐसी चीजें हो रही हैं, लिटरली आपके ग्रुप में भी डिस्कशन हो रहा होगा या आपके मन में ऐसा कुछ था, आपके पास ऐसा कुछ है, तो जीपीएससी को उसके बारे में जरूर बताना चाहिए, ऑफिशियली अनऑफिशियली उनको ट्वीट करके, मैसेज करके या मेल करके कि सर प्लीज ये चीजें हो रही हैं और इससे हमारे मन में डाउट क्रिएट हो रहा है, और डाउट क्रिएट होना बिल्कुल लाजमी है। अभी ये इंटरव्यू की बात है, हो सकता है पेपर भी ऐसे लोग सेट कर रहे हो जो किसी, जैसे मैंने कहले कहा किसी कोचिंग में सर्विस दे रहे हो, तो फिर वो क्यों नहीं वैसे पेपर सेट करेंगे जैसा वो पढ़ाया जा रहा है कोचिंग में, फिर तो उन बच्चों का कुछ वो नहीं है कि भाई जो मेहनत कर रहे हैं उनके कोई वैल्यू नहीं है, या फिर लीक की भी पॉसिबिलिटी क्यों नहीं बनती है। तो अगर ऐसा आपको लगता है और आपने देखा है तो जीपीएससी को इसके बारे में जरूर बताइए, हो सकता है जीपीएससी को नहीं आइडिया हो, तो अगर उनको आइडिया लगेगा तो उनसे उम्मीद किया जा सकता है कि अपनी न्यूट्रलिटी को प्रूव करने के लिए वो इसके लिए प्रोटोकॉल्स जरूर बनाएंगे, या फिर ऐसे लोगों को चांस नहीं देंगे, या इंक्वायरी कर लेंगे एटलीस्ट कि ऐसे लोग जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में सर्विस दे रहे हैं ऐसे लोग मिनिमम या ना के बराबर पार्टिसिपेट कर पाए जीपीएससी का, चाहे वो इंटरव्यू का प्रोग्राम हो या जीपीएससी के पेपर सेट का प्रोग्राम हो। उम्मीद ही कर सकते हैं, बाकी तो क्या कर सकते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं और आप पढ़ाई में मेहनत कर सकते हो कि जितने भी ऑब्स्टेकल आए, इवन दो पेपर किसी को दे दिया जाए, फिर भी आप खुद पे भरोसा करके मेहनत कर सकते हो कि भाई ठीक है हम इतना मेहनत करेंगे
कि तुम्हारे पास पेपर है, हमारे पास ज्ञान है, हम उससे आगे निकलेंगे और जो कर सकते हो जीपीएससी को बता सकते हो। अगर आपको भी ऐसा कुछ है कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी अगर ऐसा चीजें आपको आपको भी लगा है, मिला है, तो जरूर जीपीएससी इसका कंसर्न लेगी। हम लोग भी जीपीएससी को बताएंगे अपने 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 चैनल के हिसाब से, और होपफुली कि जीपीएससी इसमें करेक्शन करेगी। और इंटरव्यू वाला में तो श्योर शॉट ऐसा हुआ है 100%, ठीक है, उसका तो प्रूफ भी है कि ऐसा हुआ है। बच्चे ने ही बताया है कि सर ये हमारे पैनल में थे और ये किसी पर्टिकुलर कोचिंग के मॉक इंटरव्यू में थे, तो ये बिल्कुल अनफेयर है। अगर ऐसा हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।